लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। कापड़िया, यस बॉस। आज हमें डिफेंस के उस सीक्रेट डाटा मिलने वाले हैं जिसको हासिल करने के लिए हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। मगर टाइगर, मुझे पता चला कि कापड़िया के बॉस ने उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का सौदा कर लिया है। हाँ, मैं जानता हूं कि और भी माफिया के गैंग इस इंफॉर्मेशन के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैंने ऐसा एक प्लान बनाया है कि हम वो इंफॉर्मेशन लेके निकल जाएंगे और वो बाकी के गैंग देखते रह जाएंगे। गुप्ता जी, मजाक छोड़िए, हमारे पड़ोस में वो बंटी रहता है ना। हाँ हाँ, बंटी। हाँ, आप भी जानते हैं उसे। उसके लिए एक गिफ्ट चाहिए। इस टॉय कार के अंदर एक कैसेट छुपी हुई है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जज दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा बंटी, किस किस को बुलाया बर्थडे पे? मैं मेरे सारे दोस्तों को बुलाया है। अच्छा, वाओ दीदी, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू दीदी, बाय। हेलो रांचो, मैं वर्षा बोल रही हूँ, राजा को फोन दो। ये लड़की, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, चुपचाप हमारी चीज हमें वापस कर दो। चीज? कैसे चीज? वो टॉय कार जो मेरे पास थी, मगर भागते वक्त रास्ते में तुझसे टकराने के बाद मैंने तेरे बैग में डाल दी थी। टॉय कार? मुझे किसी टॉय कार के बारे में नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम तो अच्छा है, बेहतर यही है मुझे जल्द से जल्द बताओ कि वो टॉय कार कहाँ छुपा रखी है। बॉस, बॉस, बैग। मुझे किसी टॉय कार के बारे में नहीं मालूम, मैंने कहा ना। बॉस, ये लड़की अंधी है मगर बहुत चालाक है, इसने बैग से निकाल कर टॉय कार कहीं छुपा दी और उसके बाद राजा को फोन कर रही थी। जागो, सारा घर छान मारो, मुझे टॉय कार चाहिए। एक मिनट बॉस। अरे रंचो सर, किससे बातचीत चल रही है, जरा हम भी तो सुने। लाओ, दे दो। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अरे भाई, ये तुम बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, हेलो 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 हेलो, लगता फोन एंगेज है या डेड है। अच्छा ये तो बताओ, किसका फोन आया था? हाँ, किसका? ये बार बार अपने हाथों से अपनी आंखों को क्यों ढक रहे हो तुम? अरे कुछ, बार बार आंखों को ढकना मतलब किसी
किसी अंधे का, अंधी लड़की का, कहीं वर्षा का फोन तो नहीं था? भाई मान गए उस्ताद तुम्हारे तरीके को। एक मिनट मैं जरा उसे फोन कर लेता हूं। उसका फोन तो लगातार एंगेज आ रहा है, मामला क्या है? ए रंचो, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? गड़बड़ है? ठीक है रंचो, चल हम फौरन चलते हैं वर्षा के घर। मैंने पूरा घर छान माला, मगर टॉय कार कहीं पर नहीं है। ए लड़की, हम तुझसे आखिरी बार पूछते हैं, बता टॉय कार कहाँ छुपा रखी है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। जंगो, मुझे लगता है टॉय कार इसी कमरे में होना चाहिए, ढूंढो। बंटी का गिफ्ट? इसका मतलब वो टॉय कार बंटी ले गया? हे भगवान, अगर इन लोगों को पता चल गया तो बंटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख सुना, अब तेरा नाटक है बहुत हो गया है ना? अब क्यों अपनी जान की दुश्मन बना? बता क्यों नहीं बता? हम सिर्फ 10 तक गिनेंगे, अगर तूने नहीं बताया तो इस बंदूक से तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे, समझी? 1 बोल दे। 2 अपनी जान प्यारी नहीं है, अरे बोल क्यों नहीं देती? 3 4 5 6 जान खतरे में आ गई, अब तो बोल दे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है? 7 8 9 इस वक्त पूछ कौन आया, पूछ कौन है। ये लड़की मेरी बात गौर से सुन, उसे अंदर मत आने देना, अगर वो अंदर आया तो तेरे साथ साथ हम उसे भी खत्म कर देंगे। चल। हेलो वर्षा। राजा तुम यहाँ क्यों आए? किधर है? मैंने फोन नहीं किया था। राजा तुम मुझे इसमें डिस्टर्ब नहीं करो तो अच्छा है, प्लीज। डिस्टर्ब एनी प्रॉब्लम? मेरी तबीयत खराब है प्लीज राजा। हाँ, मैं कुछ मदद करूं? नो थैंक्स, तुम चले जाओ प्लीज, चले जाओ। वर्ष रेंचो आ तू जरा मेरे साथ। कम कम फास्ट फास्ट। यार रेंचो, मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है, क्योंकि वर्षा का बिहेवियर हमारे साथ आज तक, मुझे लगता मामला सीरियस है। चल चलो सर, हम चलकर देखते हैं। कम फास्ट, आजा। अब देखते हैं कहां से बैठे। थैंक यू राइट, थैंक यू वेरी मच। अब सर तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं बताती हूँ राजा, ये लोग किसी
टॉय कार की तलाश में हैं। पता नहीं, लेकिन उसमें जरूर कोई खास बात है जिसकी वजह से ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारा बहुत बहुत खतरनाक है, अगर हमें कुछ हो गया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। समझ में बताता हूँ। उस टॉय कार के अंदर एक कैसेट है जिसके अंदर डिफेंस का सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। कि तुम लोग अपने देश के रक्षा सूत्रों को दुश्मनों के हाथ बेच रहे हो। तुम जैसे हत्यारों को तो गोली मार देनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा वर्षा, लेकिन ये काम कानून का है। तुम जरा पुलिस को फोन करो। देखो राजा, मैं फिर कहता हूं कि मेरा बॉस बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हारा क्या असर होगा ये देखना। देखिए श्रीमान, इसकी सारी गोलियां मेरे दोस्त रेंचो ने निकाल ली है। रेंचो? उधर देखो। सोच कह रही है वर्षा, उस टॉय कार में देश की सुरक्षा की सीक्रेट इंफॉर्मेशन छुपी है। गलती से भी वो दुश्मनों के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसकी हिफाजत करना तेरा फर्ज है, तो मुझे क्या करना चाहिए इससे पहले कि इस बात का किसी और को पता चले। बंटी से वो टॉय कार सही सलामत राजा तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, मैं बंटी को फोन करती हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना, बंटी से भी नहीं, वरना उस मासूम की जान खतरे में पड़ सकती है। हाँ। हेलो। हेलो, मैं बंटी से बात कर सकती हूँ जेटली साहब? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं उसकी पेंटर दीदी बोल रही हूँ। पेंटर दीदी? हाँ, आप मुझे नहीं जानते, मेरी बंटी से नई नई दोस्ती हुई है, प्लीज जरा उसे फोन पे बुला देंगे? हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बंटी, बेटा बंटी। साहब, बंटी बाबा तो अभी तक आए नहीं, लगता है किसी दोस्त के घर में गए। देखिए, वो शायद किसी दोस्त के यहाँ गया है, जैसे ही आएगा मैं फोन करवा देता हूँ। जी, अच्छा। अरे लाल लाल होटा वापे झूले ला नथनिया कर जा छुवेला।
का चाहिए? What you want? अबे सुन बे, इस बिल्डिंग में वर्षा नाम की कोई ब्लाइंड लड़की रहती है। वर्षा? ब्लाइंड? हाँ, वर्षा नाम की लड़की तो वो बिल्डिंग में रहती है, मगर वो ब्लाइंड नहीं है। और वो बिल्डिंग में ब्लाइंड यानी अंधी लड़की रहती है, मगर उसका नाम वर्षा नहीं है। अब देखो, अगर आपको वर्षा से मिलना है तो वो बिल्डिंग में तीसरे माले पे 20 नंबर फ्लैट में चले जाओ, और अगर आपको ब्लाइंड लड़की से मिलना है तो वो बिल्डिंग में 5वें माले पे चले जाओ। अबे शट अप, चल लगता है बॉम्बे में नया आया। का जमाना आगवा है? बाद में बात करता हूं। अरे ये हमारी गाड़ी का हॉर्न कैसा बज रहा है? देखो जरा। क्या हुआ? हाँ कपड़े साहब, ये तो अपनी कार का हॉर्न है, मगर अपने आप कैसे बज रहा है? अरे खड़का मुंह क्या देख रहा है, जस्ट गो एंड फाइंड आउट। चेंगो, मैंने तुमसे कहा था ना चेंगो, तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे। चल अब मुझे अपने डैन में ले चल। चल किधर? क्या हुआ उस टॉय कार का? उस टॉय कार का अभी तक पता नहीं चला। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं, अब जो कुछ करना है मैं ही करूंगा। ऐसी बात नहीं है बॉस, हमने उस अंधी लड़की वर्षा के घर का पता लगाया। अगर पता ढूंढ निकाला है तो वो टॉय कार क्यों नहीं मिली? हमने अटेंड किया था बॉस, हमने उसने टॉय कार कहाँ छुपा दिया। अब इससे पहले कि हम कुछ दिखाते, अब पता नहीं राजा कब्बा कहाँ से आ धमका, हमें वहाँ से भागना पड़ा। देखो कापड़िया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब जो करना है मैं खुद करूंगा। हेलो हेलो, लेकिन लेकिन बॉस, गुड बाय। सुनिए तो बॉस, सुनिए तो बॉस, सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो गया है कापड़िया, मैं यहां हूं। तुम यहां इस वक्त? हां कापड़िया, मेरी एक आदत है, मैं जिस भी मुजरिम के पीछे पड़ता हूं उसे जब तक उसकी कब्र तक ना पहुंचा दूं दम नहीं लेता। देखो राजा, अब बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी कैसे नहीं है कापड़िया, देश का हर गद्दार हर मुजरिम मेरा जानी दुश्मन है। तुम जैसे कमीनों को नेस्तनाबूद करने के लिए ही तो हम जैसे सरफरोशों ने अपने सर पर कफन बांधे। खैर अब तो मुझे ये बताओ कि अपने बॉस का पता आसानी से बताओगे या तकलीफ के बाद? लेकिन राजा साहब, मैं अपने बॉस के बारे में कुछ मालूम नहीं है। देखो जेंगो, एक बार फिर से सोचो, मुझे गोली चलाने की कोई जल्दी नहीं। देखो राजा, हमारा यकीन करो, हम बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसने अपना चेहरा देखने का हमें कभी मौका ही नहीं दिया। हाँ राजा साहब, हम उसे आज तक नहीं पहचान पाए, वो बहुत चालाक और खतरनाक किस्म का आदमी है, और हमारे जैसे कई लोग उसके लिए अलग अलग काम करते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो है कौन। वो कोई भी होगा भैया, बहुत जल्दी मैं उसके चेहरे से नकाब उतार कर फेंक दूंगा। गुस्सा ज्यादा, मैं जरा तुम दोनों की खातिरदारी का इंतजाम करूं। जरा अपना चालाक बनने की कोशिश मत करो कापड़िया। डोंट डोंट, जरा मुझे अपना मोबाइल देना प्लीज। जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट माय टाइम।
हेलो कमिश्नर साहब, नमस्कार सर, मैं राजा बोल रहा हूँ। दरअसल मैं आपको आपके दो खास मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। एक मिनट, हाथ पीछे, गर्दन के पीछे, फौरन फौरन, कोई चालाकी नहीं, पीछे हाथ। यस सर, आप फौरन यहाँ पहुँच जाइए हथकड़ियाँ लेकर। जी सर, एड्रेस मैं भी आपको बताता हूँ, एक मिनट। चलो, जगदीप विला, टॉप फ्लोर, गिरधर कॉलोनी, चंदन नगर। पता नोट कर लिया सर? यस सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी खातिर तवाजो में किसी तरह की कमी नहीं करूंगा। लेकिन सर, अगर इन्होंने किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सर, आप लाशें ढोने का इंतजाम भी करवा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जय हिंद सर। हाँ जी, तो अब आप दोनों अच्छे बच्चों की तरह घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाइए, मैं आपको कहानी बैठो फौरन। गुड, शुरू करें कहानी।